से हाथ पकड़ने से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। तभी आलिया की बात सुनकर उस आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ओ अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुलाना चाहते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को भी बुलवा लो, कोई यहाँ नहीं आएगा। आलिया उस आदमी की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई और तभी रितिका ने भी मदद के लिए मिहिर और ऋतिक को आवाज लगाई। उस शराबी आदमी ने रितिका को इस तरह से मदद के लिए चिल्लाते देखकर कहा, ए तुम दोनों कितना ज्यादा चिल्ला रही हो, साथ रहो और चुपचाप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। उस आदमी ने दोबारा जैसे ही आलिया और रितिका को खींचने के लिए अपनी कलाई को मोड़ा, उसे अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस हुई और उसने एक तेज दर्द भी महसूस किया। शराबी आदमी ने तुरंत रितिका का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उस शराबी को अपनी कलाई पर दर्द हुआ, उसने अपनी लाल धुंधली आंखों से देखा, सामने एक लंबा अच्छी पर्सनैलिटी वाला हैंडसम लड़का खड़ा है जिसने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा है। उस शराबी आदमी ने नशे में ही अपनी आंखों को बड़ा करके गुस्से से देखते हुए कहा, Hey, who the hell are you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ने की? उस आदमी ने जैसे ही इतना बोला, आलिया और रितिका ने देखा सामने और कोई नहीं बल्कि मिहिर खड़ा है। और आलिया ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, मिहिर तुम यहां? मिहिर ने काफी गुस्से से उस आदमी के हाथ को पकड़ रखा है। तभी रितिका और आलिया दोनों दौड़ते हुए मिहिर के पीछे आकर खड़ी हो गई। मिहिर ने आलिया और रितिका से पूछा, तुम दोनों ठीक हो? मैंने तुम दोनों की आवाज सुनी। रितिका ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, हां हम दोनों ठीक हैं, लेकिन ये शराबी आदमी। रितिका बोल ही रही है कि तभी सामने से हर्ष और ऋतिक भी दौड़ते हुए आए और उन्होंने मिहिर को शराबी आदमी का हाथ पकड़े हुए देखा तो वो पूरी बात समझ गए। ऋतिक ने रितिका और आलिया की तरफ देखकर कहा, आई ओके? रितिका और आलिया ने हां में सिर हिलाया। तभी हर्ष ने उस शराबी की तरफ देखकर कहा, आज तो ये शराबी गया। हर्ष की बात सुनकर ऋतिक ने हंसते हुए कहा, शराबी आदमी ने मिहिर को गुस्सा दिलाया, अब इसे इसका हर जाना तो भरना ही पड़ेगा। चलो हमें अब एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। शराबी आदमी ने मिहिर को घूर कर देखा और उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? चुपचाप यहां से चले जाओ और अपने काम से काम रखो। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो ही तुम मुझसे फाइट करने के बारे में सोचना, समझे? मिहिर ने उस शराबी आदमी की बात सुनकर अपने हाथों पर जोर दिया और उसके हाथ को और कसकर दबाते हुए कहा, बहुत हुई तुम्हारी बकवास, जल्दी से इन दोनों लड़कियों से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मिहिर ने जैसे ही उस शराबी आदमी का हाथ कसकर दबाया, उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और उसके हाथ की नसें फूल गईं और उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसके चेहरे पर वो दर्द साफ नजर आ रहा है। तभी हर्ष ने उस शराबी आदमी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अब दर्द से तुम्हारी चीख क्यों निकल रही है? अभी तो बड़ी शेखी बघार रहे थे। उस शराबी आदमी को दर्द से चीखते देखकर रितिका ने खुश होते हुए कहा, यह सही है मिहिर, इसे और ज्यादा मारो ताकि इसे इतना दर्द हो कि ये कभी किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचे तक नहीं। समर ने मिहिर की तरफ बड़ा प्राउड होते हुए देखा और कहा, हाँ मिहिर भाई, मैं तो कहता हूं इसे इतना मारो कि ये मरी जाए, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रितिका दी और आलिया भाभी को छूने की। मिहिर ने समर की बात सुनी और उसका हाथ कलाई से कसकर मोड़ दिया। उस शराबी आदमी को इतना दर्द हुआ कि वो जोर से चिल्लाया, Hey, leave my hand! हाथ छोड़ो मेरा! वो शराबी आदमी इससे पहले कि अपनी बात खत्म कर पाता, मिहिर ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा और वो नशे में धुत आदमी जमीन पर गिरा और उसका जबड़ा टूट गया। उस शराबी आदमी का अब आधा नशा उतर चुका था और वो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। तभी उस आदमी ने देखा कि उसका जो जबड़ा टूटा है उसमें से उसके कुछ दांत टूटकर खून के साथ बाहर निकलकर जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। तभी मिहिर ने उस आदमी के पास बैठते हुए कहा, तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और तुम्हारा मुंह बहुत बदबूदार हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह साफ कर दिया है। अब जाओ, जाकर इसे धो लो और आइंदा कभी किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत मत करना, समझे? लड़कियों की इज्जत करना सीखो। तभी हर्ष ने समर से कहा,
वैसे समर, तुम्हारे भाई को आदमियों के दांत को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है क्या? जिसको देखो मिहिर उसका ही दांत तोड़ देता है। हर्ष की बात सुनकर समर और ऋतिक हंसने लगे। तभी समर ने कहा, अरे मिहिर भाई को जब गुस्सा आता है ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं देखते, सामने वाले का दांत टूट रहा है या हड्डी। इसलिए आप सबको भी मिहिर भाई से बचकर रहने की जरूरत है। समर की बात सुनकर ऋतिका ने खुश होते हुए कहा, अच्छा ही किया मिहिर ने जो इस आदमी का दांत तोड़ दिया। ऋतिक ने ऋतिका की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और कहा, मिहिर ने इसको इतना अच्छा सबक सिखा दिया है कि अब ये कभी नशे में किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। सभी लोग वहां पर खड़े हैं और तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात है, यहां पर इतनी भीड़ क्यों है, आप सब यहां पर क्यों खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि होटल के मैनेजर मिस्टर चंदन की है। होटल के मैनेजर मिस्टर चंदन की आवाज सुनकर शराबी आदमी ने चंदन की तरफ देखा और उसे अपने पास खड़ा करते हुए कहा, ए मैनेजर चंदन, तुम यहां आ ही गए हो तो मेरी साइड से बोलो। मैनेजर ने उस शराबी आदमी की तरफ देखा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर जतिन आहूजा, ये कैसे हुआ और आपके मुंह से ये खून क्यों निकल रहा है? इतना बोलकर मैनेजर चंदन मिहिर को देखने लगा, क्योंकि मिहिर वहां पर ही खड़ा हुआ है और उसने आज से पहले कभी भी मिहिर को नहीं देखा है, इसलिए मिहिर भी उनको नहीं पहचानता है। आखिरकार मिस्टर चंदन एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है और उन्होंने जैसे ही मिहिर को देखा वो समझ गए कि जरूर मिहिर ने ही मिस्टर जतिन आहूजा को मारा है। तभी मैनेजर मिहिर के सामने आकर बोला, यंग बॉय, क्या आप यहां पर बिजनेस के सिलसिले में आए हैं? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेहतर होगा आप इसे रेस्टोरेंट के बाहर जाकर सुलझा लें। इस तरह की फाइट रेस्टोरेंट के अंदर करके रेस्टोरेंट को ना फंसाएं प्लीज। मिस्टर जतिन आहूजा ने जब देखा ये रेस्टोरेंट का मैनेजर इतनी आराम से मिहिर से बात कर रहा है तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ए तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, इसे अभी मेरी नजरों के सामने से दूर करो, तुम्हें दिख नहीं रहा इसने मुझे इतनी बुरी तरह से घायल किया है, ये देखो। मैनेजर ने मिस्टर जतिन आहूजा को शांत करवाते हुए कहा, काम डाउन मिस्टर आहूजा, काम डाउन प्लीज, अभी आपने ड्रिंक किया हुआ है और आप अभी अपने होश में नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दीजिए ना। चंदन ने मिहिर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी वजह से मिस्टर जतिन आहूजा को इतनी चोट लगी है, क्या तुम उन्हें उनके इलाज के लिए पैसे दोगे? मिहिर ने मैनेजर की बात सुनकर तुरंत हां में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, मैं इन्हें इलाज के पैसे देने के लिए रेडी हूं। मिहिर और मैनेजर की बात सुनकर जतिन आहूजा गुस्से से लाल हो गया और उसने मैनेजर की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैनेजर आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे इनसे कोई इलाज के पैसे नहीं चाहिए, अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मैं इन्हें मारकर इन्हें इसी तरह घायल करूं और उसके बाद इलाज के पैसे दे दूं तो क्या ये सही रहेगा? और वैसे भी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं क्यों लूं इससे इलाज के पैसे? हाँ, मिहिर ने शराबी आदमी को घूर कर देखा और तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो आहूजा से किस तरह डील करे, क्योंकि इस टाइम मिस्टर आहूजा काफी ज्यादा नशे में हैं और उनसे बहस करना बेकार है। जब मिस्टर आहूजा ने देखा कि मैनेजर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैनेजर की तरफ घूर कर देखते हुए मिस्टर आहूजा ने कहा, मिस्टर चंदन तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट का वीआईपी कस्टमर हूं, वीआईपी कस्टमर। अगर तुमने इस बात को ऐसे ही जाने दिया और कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना बंद कर दूंगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को खत्म कर दूं? हाँ? मिस्टर आहूजा की बात सुनकर मैनेजर ने परेशान होते हुए मिहिर की तरफ देखा और मिस्टर आहूजा को मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आहूजा सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैनेजर चंदन ने मिहिर के पास आकर कहा, आप दोनों ही एक दूसरे से बात करके इस मैटर को क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लेते, क्योंकि आप दोनों ही मेरे रेस्टोरेंट के कस्टमर हैं तो मैं क्या बोलूं? चंदन की बात सुनकर मिहिर ने हां में सिर हिलाते हुए शराबी जतिन की तरफ देखकर कहा, तो बताओ तुम इस मैटर को किस तरह से खत्म करना चाहते हो? मिस्टर जतिन आहूजा ने मिहिर की बात सुनकर सोचा, मैं इस टाइम इसके सामने जो भी शर्त रखूंगा ये उसे मान लेगा, क्योंकि इसे मैटर को शॉर्ट आउट तो करना ही है। तभी उसने अपना खून से सना हुआ मुंह पोंछते हुए कहा, बहुत इजी है, मेरी बस एक शर्त है, अगर तुम उसे मान लोगे तो ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा,
मिहिर उस शराबी आदमी की पूरी बात सुनने के लिए उसकी तरफ गौर से देखने लगा। तभी उस शराबी आदमी ने मिहिर के पीछे खड़ी आलिया कपूर पर नजर डाली और आलिया को घूर कर देखते हुए कहा, जब तक ये ब्यूटीफुल गर्ल मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए मेरे रूम में नहीं चलती और मेरे साथ रात नहीं बिताएगी, तब तक ये मैटर फिनिश नहीं होगा। और अगर ये लड़की मेरे साथ मेरे रूम में चलने के लिए रेडी हो जाती है तो मैं ये मामला तुरंत इमीडिएटली यहीं का यहीं खत्म कर दूंगा। बोलो क्या कहते हो? मैनेजर मिस्टर राहुजा की बात सुनकर मिहिर की तरफ देखने लगा, क्योंकि चंदन को इन सब बातों की आदत है और वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना भी जानते हैं। लेकिन मिहिर ने जैसे ही मिस्टर आहूजा की ये बेतुकी बात सुनी, मिहिर का चेहरा बर्फ की तरह जम गया और मिहिर की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। मिहिर ने मैनेजर की तरफ देखा, लेकिन मैनेजर ने मिहिर की कोई मदद नहीं की और उसने मिस्टर आहूजा की बात सुनकर भी कुछ नहीं कहा। तभी मिहिर ने मिस्टर आहूजा के बिल्कुल सामने आकर टांगों के बीचों बीच एक जोरदार लात मारते हुए कहा, तुमने अभी अभी जो कहा यह तो इम्पॉसिबल है, और यह ट्रिक इसलिए ताकि तुम दोबारा कभी ऐसा कुछ सोच ना पाओ, और जब जब तुम इस तरह की बात सोचो तो तुम्हें मेरी यह किक हमेशा याद आए, समझा? मिहिर ने इतना बोला और मिस्टर आहूजा हाथ रखकर वहीं जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चंदन मर जा। मैनेजर मिहिर के ऐसा करने पर बिल्कुल शॉक्ड हो गया और उसने मिहिर को पीछे ढकेलते हुए कहा, अरे यार ये तुमने क्या किया? तुम्हें शायद पता नहीं है मिस्टर आहूजा इस रेस्टोरेंट के वीआईपी कस्टमर हैं और उनके साथ आने वाले लोगों की वजह से हमारा रेस्टोरेंट कितना ज्यादा चलता है। तुमने उनके साथ ऐसा बिहेव किया? अरे यार तुम्हें पता नहीं है, शायद अगर मिस्टर आहूजा नाराज हो गए और उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिया तो हमारा कितना लॉस होगा। मैनेजर उस शराबी मिस्टर आहूजा का इतना साइड क्यों ले रहा है? क्या होगा जब होटल मैनेजर को पता चलेगी मिहिर की असली पहचान, और क्या मिहिर उस शराबी को इतनी आसानी से जाने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।